लाठीचार्ज किया। इसमें एनएसयूआई के दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए। छात्रों से झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ओमती थाना पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर पथराव करने पर मामला दर्ज किया है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव सहित 25 अन्य पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि 450 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और क्या था पूरा घटनाक्रम? दिनांक 10/8/2023 को एनएसयूआई के आह्वान पर जिला कलेक्टर कार्यालय 400 अन्य सदस्यों के साथ में घंटाघर चौक पर पहुँचे तो पुलिस प्रशासन एवं कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय द्वारा इन लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया गया कि आप लोगों के पास में अगर कोई अनुमति है तो इस अनुमति को वैधानिक अनुमति को दिखाई जाए। और पुलिस द्वारा इनके रोकने पर इन लोगों के द्वारा काफ़ी उत्तेजित होकर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ ड्यूटी करने वाले